सो हे व्हाट्सएप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी ऑल ड्रीम इलेवन के प्रोडक्शन के वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका के 5th T20I मैच के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने की पूरी उम्मीद है गाइस। 2v2 पे ये सीरीज आके अटकी हुई है। ये एक तरह से फाइनल मैच लगा सकते हैं सीरीज़ का। जो इस मैच को जीतेगा वो सीरीज जीत जाएगा गाइस। इस मैच के लिए हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग गिव अवे भी रखा हुआ है। गिव अवे में आपको कैसे पार्टिसिपेट लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको जस्ट हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में अपना एक विनिंग टीम लिख दीजिए और हाईएस्ट रन स्कोरर एंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी आपको उसी टीम कमेंट में लिखना है। बट गाइस, एक जो क्लो है वो अब ये है कि वो एडिटेड कमेंट्स अलाउड नहीं है गाइस। एडिटेड कमेंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही कमेंट लिखो, मैच से पहले कमेंट होना चाहिए। वो उसमें आपको हाई, जब फॉर एग्जांपल आपने लिखा लैंडल सिमन हाई स्कोरर है एंड ड्वेन ब्रावो जो है हाई विकेट टेकर है एंड विनिंग टीम है वेस्ट इंडीज़, अगर मैच के बाद यही रिजल्ट रहते हैं तो गाइस हम आपको इंस्टेंटली 20 रुपीज़ का पेटीएम कैश भेज देंगे। सो गाइस, गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर लेना। विदाउट फर्दर डू गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, एक काम आप और कर दीजिए, हमारा एक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज़रूर ज्वाइन करके रख लेना। अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बेनिफिट क्या होंगे गाइस? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि फाइनल टीम हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वरना आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। जैसे आप सर्च करिएगा पॉसिबल 11 विदाउट एनी स्पेस, जो आपको 16,586 सब्सक्राइबर वाला जो चैनल, आपको ये वाला चैनल ज्वाइन करना है। बेनिफिट्स बहुत होंगे गाइस, फाइनल टीम यहीं पे प्रोवाइड होगी, लेटेस्ट न्यूज़ आपको यहीं पे प्रोवाइड होती हर मैच की, हर टीम की। तो गाइस, इस चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको यहाँ पे जानने को मिलती रहती हैं। गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, अगर हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो गाइस दोनों टीमों की प्लेइंग 11 काफ़ी अच्छी प्लेइंग 11 लग रही है आपको। आप देख ही सकते हैं क्विंटन डिकॉक बहुत अच्छी फॉर्म में, हेंड्रिक वेबुमा, मरकरम, डसन, मिलर, बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं साउथ अफ्रीकन टीम के पास। वेस्ट इंडीज़ के पास तो सारे अपने आप में मैच विनर हैं। एवन लुइस की बात कर लीजिए, सिमंस, गेल, हेटमायर, पूरन, पुलार्ट, रसल, फैबी एलन, ड्वेन ब्रावो, बहुत डीप बैटिंग भी है इनकी गाइस। बैटिंग चार्ट तो देखिए वेस्ट इंडीज़ की थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है साउथ अफ्रीकन के कंपैरेटिवली। बट गाइस, साउथ अफ्रीकन की जो बॉलिंग टीम है, बॉलिंग में आप देख कगिस रबाडा, एंड्रिस नॉर्ते, तब्रासम सेलुंगेन गेडी, जॉर्ज लिंडे, गाइस ऐसे थासू बॉलर्स हैं इनके पास कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को डिस्ट्रॉय करने की पूरी ताकत रखते हैं गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, मज़ा आएगा। तब आएगा मज़ा, वेस्ट इंडीज़ की टीम बैटिंग कर रही हो, साउथ अफ्रीकन की टीम बॉलिंग कर रही हो, तब आएगा असली मैच को देखने का मज़ा। तो गाइस, वीडियो को आप भी इस वीडियो को एंजॉय करना, हम भी गाइस आपको पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको बोर ना होने दें, अच्छी से अच्छी टीम आपको प्रोवाइड करें। वैसे अगर हम बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम अपडेट्स के बारे में, तो गाइस वेस्ट इंडीज़ की जो टीम अपडेट्स हैं, लास्ट मैच में आपको पता ही, कारण पोलार्ड ने मैच विनिंग इनिंग खेली थी एंड 1 विकेट भी लेके गए थे वो। तो गाइस, बहुत अच्छी मोमेंटम के साथ आ रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम, विनिंग मोमेंटम इनके पास है, ट्राई करेंगे इस सीरीज़ को सील करने की। गाइस, इनके ओपनिंग पेयर के बारे में बात कर लेते हैं, तो एवन लुइस एंड लैंडल सिमंस बहुत अच्छे धांसू ओपनर्स हैं, अपने आप में मैच विनर्स हैं। लैंडल सिमंस भी बहुत अच्छी इनिंग खेल सकते हैं, आपको पता है लैंडल सिमंस को अपना ग्रैंड लीग में ज़रूर कैप्टन बना के लेके जाइएगा, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। बात कर लेते हैं मिडल ऑर्डर में आएंगे क्रिस गेल, शिमरन हेटमायर एंड निकोलस पूरन का। ये तीनों बैट्समैन की फॉर्म कुछ अभी दिख नहीं रही है, मिडल ऑर्डर इनका थोड़ा शांत है, ना क्रिस गेल फॉर्म में है ना निकोलस पूरन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म गए हुए हैं, शिमरन हेटमायर भी कोई फॉर्म में है नहीं। अगर इनके तीनों बैट्समैन में कोई भी बैट्समैन चल जाता है गाइस, पूरी साउथ अफ्रीकन की टीम को डिस्ट्रॉय करके रख देगा, ये मेरा दावा है। बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर में आते हैं बहुत ही धांसू बैट्समैन, करण पुरान एंड एंड्रयू रसल। अगर ये दोनों की जोड़ी चल गई तो गाइस 200 रन तो बच्चों वाला खेल लगेगा फिर इनके सामने गाइस। ऐसा बहुत बहुत मारते हैं भाई ये, लंबे मारते हैं, फिर ये रुकते नहीं हैं। वैसे अगर हम बात कर लेते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में इनकी स्पिन की तरफ से आएंगे फैबी एलन, एंड पेस की तरफ से आएंगे फिडल एडवर्ड, डीजे ब्रावो एंड ओबिन मकोए। डीजे ब्रावो एंड ओबिन मकोए बहुत अच्छी पिक रह सकते हैं आज के मैच के लिए। बात कर लेते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम अपडेट के बारे में, तो साउथ अफ्रीका की टीम अपडेट आपको पता ही, लास्ट मैच अपना हार के आ रही है, ट्राई करेगी जीतने की। इनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो इनकी बॉलिंग है, कगिस रबाडा, एंड्रिस नॉर्ते बहुत अच्छे बॉलर हैं, पेस बॉलर हैं, ताकत लगा के बॉलिंग करते हैं गाइस। बैटिंग में अगर देखें तो सिर्फ एक वन मैन आ रहे हैं इनकी तरह, क्विंटन डिकॉक बैटिंग साइड को चलाते जा रहे हैं। ओपनिंग में आते हैं क्विंटन डिकॉक, उनके साथ निभाने आते हैं रीजा हेंड्रिक्स, कुछ ज़्यादा अच्छे परफॉर्म दोनों रीजा हेंड्रिक्स ने नहीं करे, क्विंटन डिकॉक हर कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग करके अपनी टीम को 160-170 के आसपास लेके चले जाते हैं। बस बात कर लेते हैं मिडल ऑर्डर में आते हैं तेंबा पेपुमा, एटन मकरम एंड रेसी वेंडर डसन पहले मैच में चले थे, बट बाकी दोनों तीनों मैचों में ज़्यादा कुछ परफॉर्म करके नहीं दिखा पाए हैं। बस बात कर लेते हैं
बात कर लेते हैं स्पिनर अटैक की। स्पिन में आएंगे इनके लिए जॉर्ज लिंडन एंड तैबरा संसी। तैबरा संसी बहुत अच्छी पिक रह सकते हैं आज के मैच के लिए भी, बहुत अच्छे स्पिन बॉलर हैं। अगर हम पेस बॉलिंग में देख ले, पेस बॉलिंग में आएंगे लुंगी एनगेडी, कगिसो रबाडा एंड एंड्रिस नॉर्दे। तीनों बहुत अच्छे पेस बॉलर हैं। कगिसो रबाडा एंड एंड्रिस नॉर्दे को अपनी टीम में ज़रूर लेना, बहुत अच्छी आपको आज के मैच में रिजल्ट ला के दे सकते हैं। बात कर लेते हैं हेड टू हेड मैच में। हेड टू हेड में गए 14 मैच हो रखे हैं टोटल। अगर लास्ट के कुछ 14 मैच देखें तो गाइस उसमें 6 बार वेस्ट इंडीज जीती है, 8 बार साउथ अफ्रीकन टीम जीती है। फैंटेसी टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, बैट्समैन को थोड़ा सा एडवांटेज है, बट स्पिनर्स आपको पता ही है वो इसी बीच में मैच हो रहा है, बैट्समैन को अच्छा एडवांटेज होगा, स्पिनर्स को धीरे धीरे मैच में हेल्प मिलती रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर साउथ मतलब सेकंड इनिंग में जो भी स्पिनर आएगा वो विकेट जरूर लेगा। तो गाइस टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन करके रख लेना, वहीं पे हम आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीकन टीम ने सेकंड इनिंग में बॉलिंग करी तो गाइस हम शमसी को लेंगे एंड जॉर्ज लिंडे दोनों को ही लेंगे टीम में। तो गाइस ट्राई करना टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखने का। की प्लेयर्स दिखा रहे हैं हम देख लें तो की प्लेयर्स आएंगे अपने एवन लुइस, लैंडल सिमन, क्रिस गेल, करन पोलार्ड, एंड्रे रसेल, ड्वेन ब्रावो एंड ओबेन मकोए। साउथ अफ्रीकन की तरफ से क्विंटन डिकॉक, हेंड्रिक्स, मरकरम, डसन, रबाडा, नॉर्जे एंड शमसी। पिच रिपोर्ट अगर देख लें तो थोड़ी सी स्लो पिच है, बैट्समैन को थोड़ा सा मतलब बैट्समैन के लिए तो ठीक है, बट पेसर्स को इतनी कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली पिच से, स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलेगी गाइस। सो ट्राई टू टेक मोर स्पिनर्स इन योर टीम। गाइस चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ। गाइस अगर हम विकेट कीपर सेक्शन में देख रहे हैं, विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, क्विंटन डिकॉक एंड निकोलस पुरन। गाइस मैं तो क्विंटन डिकॉक ले रहा हूँ, निकोलस पुरन भी आप ले सकते हैं, बट गाइस निकोलस पुरन इतनी कुछ अच्छी फॉर्म में है नहीं, तो हम निकोलस पुरन को भी साइड कर देंगे। बात कर लेते हैं गाइस बैटिंग में आएंगे क्रिस गेल एंड करन पोलार्ड आप ले सकते हैं, बट गाइस करन पोलार्ड लास्ट मैच में चले थे, मुझे नहीं लगता इस मैच में कुछ परफॉर्म करेंगे। फिलहाल अभी हम करन पोलार्ड को ड्रॉप करने वाले हैं, यहाँ पे एवन लुइस लेंगे, यहाँ से वेंडर डसन ले लेंगे, लैंडल सिमंस ले लेंगे। वेंडर डसन की जगह पबुमा भी ले सकते हैं, थोड़ा तो ऊपर बैटिंग करने आते हैं, बिकॉज ऑलराउंडर में देख लें तो आंड्रे रसल, फैबी एलन, जॉर्ज लिंडे, कगिसो रबाडा, एंड्रिस नॉर्ज एंड डीजे ब्रावो। बट गाइस यहाँ से मैं तैबरा शमसी को भी लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जॉर्ज लिंडे की जगह तैबरा शमसी को ले सकता हूँ, ये और भी अच्छी पिक रहेगी। चेकआउट कर सकते हैं गाइस आप हमारी टीम, एक मिनट एक सेकंड रुकिए मैं फाइनल कर दूँ इनको। आप यहाँ से चाहें तो गाइस लैंडल सिमंस की जगह हम वेंडल डसन को भी ले सकते हैं, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी। यस गाइस ये भी सही है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की देख लेते, क्विंटन डिकॉक कैप्टन रहेंगे एंड वाइस कैप्टन रहेंगे मेरे अभी के लिए आंड्रे रसल। गाइस ये मेरी अभी के लिए फाइनल टीम रहने वाली है, मैं इसी टीम से सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाला हूँ, आप भी सेम टीम लीजिएगा, सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करेंगे, तो अगर टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन करके रख लेना, टॉस करने के बाद फाइनल टीम आपको वहीं पे मिलेगी एज इट इज़। फॉर एग्जांपल अगर किसी वजह से साउथ अफ्रीकन की टीम की बैट बॉलिंग लेट आती है तो मैं यहाँ पर जॉर्ज लिंडे को भी लेना चाहूँगा फैबी एलन की जगह। सो गाइस बने रहना गाइस टेलीग्राम चैनल पर, फाइनल अपडेट्स वहीं पे आपको मिलती रहेंगी। गाइस ये वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।